हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे शब्द का जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, उसके आगे वाले पार्ट को। कल हमने क्या किया था? पर्यायवाची किए थे और विलोम शब्द किए थे। अब आज हम यहाँ पे अनेकार्थी शब्द करेंगे। मतलब ऐसे शब्द जिसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो, उनको कहते हैं अनेकार्थी, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका कक्षा। ये एनसीईआरटी है आपकी 8th क्लास की। इसमें से कम 14 से 15 टॉपिक हैं जो आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक आध टॉपिक बचेगा जो हम 9th क्लास की जो हिंदी व्याकरण की एनसीईआरटी है वहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहले 8th क्लास, मुश्किल से 15 दिन में ये कम्प्लीट हो जाएगी। 15 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, तो 10 दिन के आसपास आपकी हिंदी की ये पूरी 8th क्लास की एनसीईआरटी हो जाएगी। कक्षा होती है, एक तो परिधि होती है, मैंने कल भी बताया था, जो अपने कक्ष पर चक्कर लगाता है, और एक होता है छात्रों का समूह। कुल किसे कहते हैं? ये सब टोटल वंश, घर और गोत्र को कुल कहते हैं। गति, गति होता है चाल, दशा या मोक्ष, ठीक है, चाल, दशा या मोक्ष। गुण होता है एक तो रस्सी और एक विशेषता। देखो, विशेषता का सबको पता है, गुण का मतलब विशेषता होता है, लेकिन रस्सी भी होता है इसका मतलब, ये याद रखिएगा। गुरु का मतलब होता है शिक्षक, हमसे बड़ा या भारी, और दो मात्राओं वाला वर्ण। जड़ का होता है मूल, और जड़ का होता है मूरख, कहते हैं ना जड़ बुद्धि है इसकी। घाट, घाट के अनेकार्थी शब्द, नदी का घाट, झील का, या फिर वो स्थान जहाँ लोग नहाते धोते हैं, और गर्दन का पिछला भाग भी क्या होता है, हमारे जो नेक है उसका भी पिछला भाग घाट बोलते हैं। अधर होता है नीचे का, ओंट, अंतरिक्ष या आकाश, ठीक है, तो अधर में आप अंतरिक्ष या आकाश या फिर नीचे का ओंट। अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण को, मोक्ष को, ईश्वर को और अविनाशी को। तो अक्षर अगर किसी का नाम है तो याद रखिएगा उसका मीनिंग होता है ईश्वर या अविनाशी, और इसके जो अनेकार्थी शब्द हैं वर्ण, मोक्ष, ईश्वर और अविनाशी। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, शिव और बकरा। आम क्या होता है? आम बात हो सकती है, मतलब एक ये तो एक कॉमन सी कन्वर्सेशन, आम बात, या फिर फल, फल का हमें पता है आम आता है फल में। उत्तर का मतलब क्या होता है? आंसर देना, जवाब देना, या फिर एक दिशा का नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या फिर बाद में आने वाला या बाद का। कनक होता है सोना और धतूरा। कर, कर होता है सूंड, हाथ, टैक्स और किरण। कल का मीनिंग क्या होता है? कल का मीनिंग होता है चैन, मशीन, शोर, बीता हुआ दिन। कोटि का मतलब होता है धनुष का शिरा, श्रेणी या करोड़। नेक्स्ट है, ये देखिए, पेय का मतलब होता है जल, पीने वाला या फिर दूध। फल होता है परिणाम, लाभ या फिर खाने का फल। आगे देखिए, भेद का मीनिंग क्या होता है? भेद होता है रहस्य, किसी प्रकार, मतलब इसके कितने भेद हैं, प्रकार हो सकते हैं, और भेद, भेदना होता है फूट डालना। मधु का मतलब होता है शहद, मदिरा और वसंत। मत का मीनिंग होता है सम्मति देना, धर्म का मत, धर्म के ऊपर जो मत है, वोट, आपका वोट और नहीं, ये चारों हैं सम्मति, धर्म, वोट और नहीं। वार क्या होता है? जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो दिन होता है वार, प्रहार होता है वार करना किसी पर, और आक्रमण। वर का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, दूल्हा या वरदान। वर्ण किसको बोलते हैं? रंग को बोलते हैं, अपनी जाति जो है उसको वर्ण बोलते हैं, और जो हमारे क, ख, ग, ये सारे क्या हैं, ये वर्ण हैं। विधि एक सिस्टम, इसको कानून, तरीका, ब्रह्म या भाग्य बोलते हैं। तप का मीनिंग क्या होता है? तपना होता है धूप, साधना, अग्नि या गर्मी। दल होता है समूह, सेना या पत्ता। नग का मीनिंग होता है पर्वत, नगीना, वृक्ष। नाग होता है सांप या हाथी, हाथी भी नाग होता है। देखिए, पक्ष, पंख, तरफ, दो सप्ताह या फिर सहायक। तो पक्ष का मीनिंग सहायक भी होता है, दो सप्ताह भी होता है, तरफ भी होता है, पंख भी होता है। पत्र का मीनिंग क्या होता है? पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ, समाचार पत्र। पद का मीनिंग होता है क्या ओदा है आपका, कविता का चरण, उसमें जो पद आते हैं, और आपके पैर को भी पद बोला जाता है। पूर्व होता है उससे पहले, और एक दिशा का नाम भी पूर्व होता है। तो नेक्स्ट आ गया कि भाई समोच्चारित भिनार्थक शब्द क्या होते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से समान लगते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है ये, परंतु उनके अर्थ में क्या होता है, भाई भिन्नता होती है। उच्चारण या प्रयोग में तनिक से असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और पूरा वाक्य हो जाता है। तो जो सुनने में समान लगे उसे कहते हैं समोच्ची, और जिसके अर्थ में भिन्नता हो उसे कहते हैं भिन्नार्थक। इसी को ये शब्द बोला जाता है। हम दिशा की बात करें तो दिशा की मतलब होता है उसकी तरफ, और अगर दशा की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कैसी दशा में है, कैसी हालत या अवस्था में है। चिता क्या होता है?
अगर चिता बोलें ये आगे की मात्रा आ जाए तो इसका मीनिंग अलग है, और ये चिता पीछे की आ जाए तो इसका मीनिंग अलग है। शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चीता होता है एक पुरुष। चीर का मतलब क्या होता है? चीर का मतलब होता है बहुत समा, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो आगे और पीछे की मात्रा ध्यान रखिएगा। समान का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबर, और सामान होते हैं जो भी हमारे इक्विपमेंट, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे। कृति का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये कृति पूछे तो इसका मीनिंग होता है कुशल होना, और अगर ये कृति पूछे तो इसका मीनिंग होता है कार्य। दोनों याद रखिएगा। कुजन होता है बुरा आदमी, और कुजन होता है पक्षियों की चचाहट। कुजन बोले कुजन, कुजन, और यहाँ पर कुजन बोले तो बड़े और छोटे हुए में फर्क है। कुजन होता है बुरा आदमी जिसमें छोटा हुआ आएगा, और कुजन होता है पक्षियों की चहचहाट। कुटी को बोलते हैं झोपड़ी, और कुटी को बोलते हैं जालसाज। कुणवा होता है खरीदने वाला, और कुणबा होता है परिवार। तो ध्यान रखिए, कुणवा जो होता है वो खरीदने वाला होता है, जो परचेज करता है, और कुणबा कौन होता है? परिवार। अब कुल सब होता है, वंश होता है, और कुल का मतलब होता है किनारा। पतन का मतलब होता है गिरना, और पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो ध्यान रखिए, अगर ये पतन आ जाए ना, इसका मतलब है ध्वस्त हो जाना या गिरना, लेकिन अगर त आधा आ जाए पतन, तो इसका मतलब होता है बंदरगाह। कोस होती है दूरी की नाप, दूरी नापने के लिए कोस को यूज़ किया जाता है, और कोश होता है खजाना। गज को बोलते हैं हाथी, और गज को बोलते हैं, देखो ये गज है, गज मतलब हाथी, और ये गज, ज के नीचे बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा दो हाथ की माप। ग्रंथ है बड़ी पुस्तक, और ग्रंथी है गांठ। ग्रह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। तो ध्यान रखिएगा ये ज़रूर। गिरी का मतलब होता है पहाड़, और एक गिरी होता है बीज का गुद्दा। जलज हम कमल को कहते हैं, और जलद कहते हैं बादल को। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, और जरा सा मतलब थोड़ा सा। जवान युवा होता है, और जबान होती है जीभ। भवन को हम बोलते हैं घर और मकान, और भुवन को बोलते हैं संसार। जैसे भवन को घर और मकान बोलते हैं, भुवन को संसार बोलते हैं। आकर मीनिंग क्या होता है? आकर का मीनिंग होता है कोई भी माइन, खान, और आकार का मीनिंग होता है आकृति। ढीठ क्या होता है? ढीठ होता है आपकी दृष्टि, और ढीठ होता है आपका निडर। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ढीठ होता है दृष्टि, और ढीठ होता है निडर। डोर का मतलब क्या होता है? डोर का मतलब होता है पतली रस्सी या फिर सूत। और ढोर होते हैं मवेशी, डांगर ढोर जो होते हैं वो मवेशी होते हैं, भैंस वगैरह। आदि होता है अंत, और आदि होता है आदत। देखो, अगर इसके पीछे की मात्रा आए तो आदि हो जाना किसी चीज़ का, सॉरी, आरंभ हो जाना किसी चीज़ का, और अगर ये पीछे की मात्रा आए तो इसका मतलब है आदत पड़ जाना, ये उस चीज़ का आदि हो गया है, स्मोकिंग का आदि हो गया है। तरी का मतलब होता है नाव, और इस तरी का मतलब होता है गीलापन। तब का मतलब होता है तुम्हारा, और तब का मतलब होता है उसके बाद। अवधि जो है वो है अवध की भाषा, और अवधि जो है वो है हमारा निर्धारित समय। धाती बोलते हैं धरोहर को, और दाती बोलते हैं स्थिरता को। द्रव होता है पिघला हुआ पदार्थ या तरल पदार्थ, और द्रव्य होता है पदार्थ या धन। कल करेंगे, फिर कल हो जाएगा ये कंप्लीट चैप्टर, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे। आज आपको भिन्नार्थक शब्द और अनेक अनेकार्थी शब्द ये हमने किए हैं। कल वाली वीडियो में हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द किए थे, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद संधि स्टार्ट कर देंगे। गाइज, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।